विराट 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 ये तूने क्या किया, विराट 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 ये तूने क्या किया, अपने आलोचकों को ऐसे जवाब दिया। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए विराट कोहली जब कुछ करते हैं तब भी सुर्खियां बटोरते हैं, जब कुछ नहीं करते तब भी सुर्खियां बटोरते हैं, लोग इनके पीछे हाथ मुंह पैर सब कुछ धो के हमेशा पड़े ही रहते हैं। और कल विराट कोहली ने एक ऐसा करिश्मा करके दिखा दिया जिसका इंतजार उनके फैंस, उनकी फैमिली, उनके हेटर्स भी, उनके आलोचकों को भी बहुत ही ज्यादा इंतजार था। कल विराट कोहली का बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे आखिरी ओडीआई में शतकीय पारी आई, उनके बल्ले से एक शतकीय पारी आई, 113 रन उन्होंने ठोक दिए थे, 113 रन उन्होंने बना दिए थे। ओडीआई करियर की अगर हम बात करें तो ओडीआई में 44th शतक लगाया है विराट कोहली ने। आखिरी बार उन्होंने साल 2019 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना ओडीआई शतक लगाया था, उसके बाद से उनका बल्ला बहुत ज्यादा शांत हो गया था। तो ये शतक उन फैंस के लिए है जिनका मतलब जिनको विराट कोहली से भी ज्यादा इंतजार था उनके शतक का। ये शतक उन आलोचकों के लिए है जो विराट कोहली को लगातार टीम से ड्रॉप करने की मांग सोशल मीडिया पर चला रहे थे। ये शतक उन दिग्गज खिलाड़ियों के लिए, पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को, मतलब बहुत रिस्पेक्ट है हमारे मन में उन खिलाड़ियों के लिए भी, लेकिन ये शतक उन दिग्गज खिलाड़ियों के लिए भी है जिन्होंने जो बार बार लगे हुए थे कि भैया विराट साहब कुछ नहीं हो रहा, इनका बल्ला शांत हो गया, इनको ड्रॉप करो और आगे आने वाले यंगस्टर्स को मौका दो। और इन दिग्गजों की लिस्ट में कपिल देव जैसे नाम भी शामिल है, गौतम गंभीर जैसे नाम भी शामिल है। तो ये शतक उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए एकदम काफी है कि भैया विराट कोहली और जिस तरीके से कल उन्होंने खेला, जिस जिंदा दिली से खेला, जिस तरह से उन्होंने ईशान किशन को पूरा पूरा फ्री हैंड दे दिया था कि भाई तू अच्छे से अपना जो है शतक पूरा कर, उसके बाद मैं कर लूंगा। तो ये एक जिंदा दिली, एक सेल्फलेस क्रिकेटर है विराट कोहली। और अब विराट कोहली के भाई का सपोर्ट भी आया, विराट कोहली को उनके भाई यानी विकास कोहली ने क्या कुछ कहा है विराट के इस शतक के बारे में कि भैया कैसे हम लोग बेफिक्र थे, कैसे वो लोग बेफिक्र थे, उनको पड़ी ही नहीं थी विराट के शतक की। तो क्या कुछ विकास ने कहा है देखिए। देखिए विकास ने विराट पर कहा कि विराट के फॉर्म को लेकर परिवार उनसे कभी भी बात नहीं करता। जब भी विराट परिवार के साथ होते थे, परिवार के सदस्यों की कोशिश होती थी कि उन्हें घर में बेहतर एटमॉस्फेयर मिले, इसलिए कभी भी क्रिकेट पर बात ही नहीं होती थी। बस सिर्फ परिवार के लोग उन्हें अपने खेल पर फोकस करने के लिए प्रेरित करते थे। विराट का ओडीआईज में धमाकेदार प्रदर्शन। देखिए विराट कोहली ने 265 मैचेस खेले हैं जिसमें 12,471 रन इन्होंने बनाए हैं, 57.47 की औसत यानी एवरेज के साथ, और शतक और अर्धशतक की तो क्या ही बात करें। देखिए 44 इनके शतक आए हैं ओडीआई में और 64 अर्धशतक इनके बल्ले से निकले। तो देखा आपने, ये कुछ था विराट कोहली का ओडीआईज में करियर, विराट कोहली के ओडीआईज में स्टैट्स। और वहीं विकास ने, जिस तरीके से विकास कोहली ने विराट कोहली के भाई ने कहा कि भैया उनके घर में बहुत चिल माहौल रहता है, हम लोग बात नहीं करते क्रिकेट के बारे में। और आगे उनसे जब थोड़ा सा ये भी पूछा गया कि भाई आलोचकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कह दिया भाई जवाब आप ही के पास है कि आलोचकों के बारे में हम क्या ही कहें, जब हम क्रिकेट का माहौल ही नहीं रहता हमारे घर में, हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, क्रिकेट की बात ही नहीं करते, तो आलोचकों की तो हम बात ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए सपोर्ट अपना दिखाया है अपने भाई को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बहुत लाइट एनवायरनमेंट रहता है घर का, और हम कोशिश करते हैं कि भाई विराट को ये कहे कि भैया आप अपने खेल पर फोकस करिए और बाकी चीजों को भूल जाइए। अब कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि विकास का ये सपोर्ट आपको कैसा लगा, विराट कोहली की वो पारी आपको कैसी लगी, और कितनी उम्मीदें हैं विराट से। भैया ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है 2023 में, ये अच्छी बात हुई कि 23 से पहले ओडीआई वर्ल्ड कप 23 से पहले विराट कोहली का ओडीआई में भी शतक आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि T20 में तो शतक लगा चुके थे एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन ओडीआई में शतक आना अभी बाकी था। और ओडीआई में कल शतक आकर विराट ने सभी के मुंह बंद कर दिया। तो कमेंट्स के जरिए सारी चीजें बताइए, साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।